ते हैं पाठ शिक्षा की और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। चार ऑप्शन है, जद कृष्ण मूर्ति, जिदू कृष्ण मूर्ति, जिद कृष्ण मूर्ति या फिर सज्जद कृष्ण मूर्ति। तो बी ऑप्शन सही होगा, जिदू कृष्ण मूर्ति। प्रश्न नंबर दो है, जहाँ भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, रोज। तो ये जो पंक्ति है वो रोज पाठ से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर तीन है हमारे सामने, लीड बेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक या फिर गांव शिक्षक। तो लीड बेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति जो थे वो विश्व शिक्षक थे, तो इस हिसाब से इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर चार लेते हैं, जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी जो रचना है वो कौन सी है। चार ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है, कौन सी रचना पूछी जा रही है, रोजगार, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या फिर शिक्षा। तो उनका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर पांच है हमारे सामने, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। तो आंध्र प्रदेश में जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर छह, माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो 10 वर्ष के थे जय कृष्ण मूर्ति जब उनकी माँ नहीं रही। प्रश्न नंबर सात है हमारे सामने, जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो जो उनकी रचना शिक्षा है वो क्या है, संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है, एकांकी है, या फिर प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है, शिक्षा जो है कौन सी विधा में रचित है। तो ये एक संभाषण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आठ लेते हैं, मेधा कहाँ नहीं हो सकती, जहां स्वतंत्रता हो, जहां भय हो, जहां अनुशासनहीनता हो, इनमें से कोई नहीं। तो जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर नौ है हमारे सामने, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है, जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करना, जीवन को समझना या इनमें से कोई नहीं। तो जीवन को समझना जो है कुछ परीक्षा उत्तीर्ण करने से ज्यादा कठिन है। ये प्रश्नों की प्रश्न नंबर 10 है हमारे सामने कि शिक्षा के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, संभाषण, प्रसिद्धि, व्यापकता, इनमें से कोई नहीं। तो हमें एक ब्रॉड सेंस मिलता है शिक्षा पाने के बाद, सच्ची शिक्षा पाने के बाद। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, स्वतंत्र, अनुशासित, दायित्वपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो बचपन में स्वतंत्र वातावरण होना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 12, जिंदगी का अर्थ क्या है, धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना या फिर सत्य प्राप्त करना। तो जिंदगी जो है वो हमें सत्य की खोज करने को प्रेरित करती है, यही इसका मकसद है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 16, साम्यवादी किस लड़ रहा है, समाजवादी से, साम्यवादी समाज जो है वो किससे लड़ रहा है, समाजवादी से, पूंजीपति से, सत्तावादी से या इनमें से कोई नहीं। तो वो पूंजीपति से लड़ रहा है। प्रश्न नंबर 17, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ, 12 मई 1895, 18 जून 1892, 23 मई 1898, 15 अगस्त 1902। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 12 मई 1895 को। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रश्न डिस्कस करते हैं। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, जयंत कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जीवंत कृष्ण मूर्ति या जनेश कृष्ण मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति उनका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 19, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, अब्दुल कलाम आजाद, पिट्टाभी सीतारमैया, जय कृष्ण मूर्ति, जाबिर हुसैन। तो जय कृष्ण मूर्ति की रचना है, यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20, जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। तो जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में जो बात सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। तो प्रश्न नंबर 21 हमारे सामने, शिक्षा पाठ जो है उसके रचयिता कौन है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जगदीश चंद्र माथुर या जय कृष्ण मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जय कृष्ण मूर्ति जो है इस पाठ के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 22 है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ, तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में या फिर उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 22 है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा में, तो आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 23 है, लॉर्ड बेटर किन में
विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, यानी किनको वो विश्व के शिक्षक के रूप में देखते थे, राधा कृष्णन में, राजेंद्र प्रसाद में, गांधी में या जय कृष्ण मूर्ति में? तो वो गांधी को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। प्रश्न नंबर 24 हमारे सामने, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत या फिर शिक्षा? जैसा कि हम पाठ को पढ़ते चले आ रहे हैं तो हमें पता ही है कि जय कृष्ण मूर्ति की जो रचना है वो है शिक्षा, जिसे हमने पाठ के रूप में अपने सिलेबस में पढ़ा है। आई होप कि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी आपको। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे, जिससे आपको यूं ही क्वेश्चंस आपको हम डिस्कस करके देते रहे, यूजफुल कॉन्टेंट देते रहे। थैंक यू।